तय क्या करना है उसमें अब्दुल? पहले मैंने फोन किया था, इससे तू पहले मेरे घर पे आएगा। अच्छा, कितने बजे फोन किया था तुमने अब्दुल को? हाँ बताता हूँ ना। बताओ बताओ। हाँ ये देखो, ठीक 8:54 पे फोन किया था मैंने अब्दुल को। अच्छा, तो फिर मैंने अब्दुल को 8:53 को फोन किया था। बेटा तुम टाइम वाइम छोड़ो, मुझे तो ये बताओ कि तुम्हें शैम्पू का काम क्या है? भाई शैम्पू की जरूरत उसे पड़ती है जिसके सर पे बाल हो। ओ पटलाल, खबरदार जो मेरे बालों पे कमेंट किया तो। और मैं बोलता हूँ कि अगर तुम्हें साबुन थोड़ी देर बाद मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें कौन से काम होते? एक टाजीव सदाशिव। अरे मुझे ढेरों सारे काम होते हैं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा। नहीं नहीं भिड़े, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जिनकी शादी नहीं हुई होती है उनको लाइफ में कुछ काम नहीं होता? मुझे नाना नहीं है, ऑफिस नहीं जाना है, आर्टिकल नहीं लिखना है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से समाज में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई कहाँ से आ गई बीच में? अभी समझाता हूँ। जीवन में हमें जिस चीज की जरूरत ना हो उसे जब हम खरीद कर अपने पास जमा करते हैं उसे जमाखोरी कहते हैं, और जमाखोरी से महंगाई बढ़ती है। तुम्हें शैम्पू की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी तुम शैम्पू खरीदना चाहते हो, इसलिए तुम जमाखोरी करते हो। जमाखोर। काई बोलतो है, काई हम। ठीक है अब्दुल, एक काम करो, उसको साबुन चाहिए ना तो उसको बोलो कि नीचे आकर साबुन ले ले। क्यों, मैं क्यों नीचे आऊं? तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी है। ओए पोपूते पिड़ू, एकदम स्टॉप। अभी तुम लोगों का झगड़ना एकदम स्टॉप। ओ यारो, अब मेरे पास एकदम मस्त आइडिया है। ओ पिड़ू, तेरे पास तेरा शैम्पू और पोपू तेरे पास तेरा साबुन, एक ही बार में बन जाएंगे। अरे सोरी भाई, आपके पास ऐसा कौन सा आइडिया है कि एक ही साथ दोनों के पास सामान पहुंच जाएगा? बड़ा जबरदस्त आइडिया आप देखना जा। ओ यारो, और तुम लोगों को क्रिकेट खेलना आता? क्या पूछ रहे हो सोड़ी, भूल गए? जीपीएल में कैप्टन था मैं, कितनी अच्छी बॉलिंग की थी मैंने। और मैंने कितनी अच्छी बैटिंग की थी भाई सोड़ी, याद है ना? ओ यारो, क्रिकेट में बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग का भी बहुत महत्व है। बिल्कुल सही कहा सोड़ी। अरे हमारे जमाने में क्या फील्डर हुआ करता था मैं। मैं ऐसा जबरदस्त फील्डर था कि मेरे आजू बाजू में बॉल आने से डरती थी कि कहीं मैं उसको पकड़ ना लूं। अरे सोड़ी, मैंने आज तक के अपने करियर में फील्डिंग में कम से कम 1,00,000 से 1.5 लाख रन बचाए होंगे। 1,00,000 1.5 लाख? क्या फेंक रहे पोपट भाई? क्या बोला अब्दुल? अरे अब्दुल प्रागा, कहने का मतलब है आज आप दोनों को अपनी फील्डिंग का जबरदस्त नमूना दिखाना पड़ेगा। अब्दुल लिया भी लिया, और दोनों का शैम्पू और साबुन पकड़ा। हेलो, आप फड़ मेरा बैग। चलो भाई, शैम्पू इतने ते साबुन उतने। रेडी? हाँ रेडी रेडी। 1, 2, 3 आवाज़ दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। थैंक यू। हाउस दैट, तेरा तौलिया छूट गया देख। ए बिना रुक, चलो चलो चलो, अभी जाओ अपना अपना काम करो। अरे दया चाइला, पापा इरेजर दो ना। रेजर? तुझे रेजर क्यों चाहिए, दाढ़ी बनानी है? अभी टाइम है बेटा, बहुत टाइम है। रेजर नहीं पापा, इरेजर है? हाँ देखो, रबर रबर वहां पर पड़ा है। अच्छा, ये रबर चाहिए, ऐसा बोलना भाई। मम्मी फुट रोलर दो ना। क्या? फुट पट्टी देखो वहां पर पड़ी है। या भाई, तू क्या दूल्हे के अनवर की तरह वहां बैठे बैठे सब ऑर्डर फेंक रहा है? रबर दो ने, फुट पट्टी दो ने। पापा सुंदर मामा कहते हैं कि जो काम खुद करता है वो नहीं, जो दूसरों से काम करवाता है वही बड़ा बनता है। वाह। से एक मिनट शांति रख बेटा, सुंदर मामा गलत बोलते हैं। जो आदमी खुद काम करता है ना वही बड़ा बनता है। हुँ? पापा आप चाय पीते हो पर कभी खुद बनाते हो? पापा सेठ लोग कभी काम नहीं करते? ए वाइडा, सेठ लोग रातों रात सेठ नहीं बन जाते, कितने बरसों तक दिन रात मेहनत करके धंधा जमाते हैं तब जाके सेठ बनते हैं।
अभी अपने धीरूभाई अंबानी की बात लो, कितने साल तक दिन रात मेहनत की तब जाके इतनी बड़ी कंपनी के सेठ बने, और सेठ बनने के बाद भी दिन रात मेहनत करते थे। बस अभी टप्पू के पापा एक फुट पट्टी मांगी, उसमें तो कितना सुना रहे बेचारे बच्चे को। सुना नहीं रहा हूँ दया, समझा रहा हूँ। और इस बेचारे बच्चे को अभी नहीं समझाया ना तो आगे जाके ये भी अपने मामा जैसा बन जाएगा। मामा जैसा बनेगा तो अच्छा है ना, उसमें बुरा क्या है? वो मैं तुझे बाद में अलग बिठा के समझाऊंगा। क्या उसमें टाइम लगेगा, ऐसे जल्दी जल्दी नहीं समझा पाऊंगा। हाय टप्पू। अब्दुल भाई। गुड मॉर्निंग बेटा भाई। आओ अब्दुल आओ। रोहन देवा भी ये वॉशिंग पाउडर। सॉरी अब्दुल भाई। क्यों पाउडर नहीं चाहिए था? नहीं पाउडर तो चाहिए, लेकिन मैं आपसे दो तीन बिस्किट के पैकेट मंगवाना भूल गई। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद देके जाऊंगा। आप तो चाय पीना बैठ जा। नहीं नहीं जरा भाई, रोजा चल रहा है। सॉरी भाई सॉरी। देख टप्पू देख, अब्दुल का रोजा चल रहा है फिर भी कितनी भागा दौड़ी कर करके काम कर रहा है, और तुझे यहाँ बैठे बैठे सारी चीजें चाहिए। सॉरी पापा। जड़ा भाई अल्लाह की रहमत है, रोजा रखने के बाद तो काम करने में और भी जोश आता है। हाँ अब्दुल भाई, मेरी माँ भी हमेशा कहती है ईश्वर का स्मरण करते करते काम करो ना तो उसमें आनंद आता है और काम आसान भी लगता है। वाह भाभी, लाख रुपए की बात कही, चलो चलता हूँ। अब्दुल भाई याद है ना, आज शाम को क्लब हाउस में महिला मंडल और टप्पू सेना की तरफ से इफ्तारी है। हाँ। याद है टप्पू, शाम के रोजे के बाद आ जाऊंगा। हाँ। अच्छा जड़ा भाई चलता हूँ। ओके अब्दुल। बाय बाय। टप्पू बेटा अब्दुल भाई कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं। हाँ इतनी सारी वैरायटी देख के अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अरे हाथी भाई आप डॉक्टर है, जरा अपनी सेहत का ख्याल कीजिए, पता नहीं खाना देकर आपको क्या हो जाता है। मिस्टर पोपटलाल डॉक्टरी मेरा पेशा है और खाना मेरा पैशन, समझे बुढ़बा। पोपट भाई आप जिसे शादी की बात से भावुक हो जाते ना, ठीक वैसे ही हाथी भाई खाना देखकर भावुक हो जाते हैं। सही बात है। समझा डिब्बे? समझ गया चाचा जी। हाँ तो जा अभी जाकर अब्दुल को बुला कर लेकर आ। हाँ भाई अब जल्दी लेके आओ, अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा। मिलेगा मिलेगा बड़ी गोली। ए, हाथी भाई। अरे हाथी भाई मैं आ गया। अब्दुल मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। या सुनो, तुम्हारा और हमारे सारे मुसलमान भाइयों का आज के इस इफ्तार पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अब्दुल भाई क्या हुआ? माधी भाई कुछ नहीं, मैं तो यही सोच रहा हूँ, आप सब गोकुलधाम वालों ने मुझे अपने परिवार से बढ़कर प्यार दिया है, मैं तो अल्लाह से यही दुआ मांगूंगा कि ये दुनिया पूरी गोकुलधाम जैसी बन जाए और पूरी दुनिया में ऐसा ही भाईचारा हो। आप लोगों ने आज तक जो मेरे लिए किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। बस बस अब्दुल भाई ज्यादा तारीफ नहीं करते वरना नजर लग जाती है। अब चलिए हम लोग रोजा खोले, चार मिनट बाकी है अभी। हाथी भाई सब्र का फल मीठा होता है। मीठे फल के लिए सब्र नहीं होता। हेलो। अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू रमेश भाई थैंक यू। क्या हुआ अब्दुल भाई बहुत खुश लग रहे हो। हाँ मेरे गांव जाने की टिकट कंफर्म हो गई। वाओ। अरे टप्पू कितने सालों के बाद ईद मैं अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। क्या बात है अब्दुल भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे अब्दुल तुम्हारा सोडा हम बहुत मिस करेंगे। अरे आदि भाई आप चिंता मत करो, मैं सोडे का बंदोबस्त करके जाऊंगा। इफ्तारी का टाइम हो गया, चलिए आइए भाई आइए। पहले आप आइए। चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले आप। हाँ
रोशन मेरी जान तौलिया दे दे। मजा आ गया। आई ले बाबा तारो टुअल। ओए सोनिए रोज की तरह आज भी खाना खा के मजा आ गया। ओए सोनिए ओ मेरा दिल कर रहा है आलू परांठे बनाने वाले के हाथ चूम लूं। रोशन तुझे हाथ चूमने है ना तो उसके लिए तुझे हमारा पंजाब होटल जाना पड़ेगा सुखवंदर भाई के हाथ चूमने। ओ मतलब तूने वो परांठे नहीं बनाए? ओ यार पर उन परांठों में से खुशबू तो तेरे हाथ की आ रही थी। रोशन तू टड्डन चक्रम छे। मैंने ही बनाए बाबा और कौन बनाएगा। ओ यार कमाल के बनाए थे। अच्छा सुन रोशन। सुना रोशन। रोशन अभी पटेटी और नवरोज आ रहा है ना तो मैं 2-3 दिवस के लिए मेरे मम्मी पापा के घर जाऊँ। सोनिया तू अपने मम्मी पापा के घर जा मैं तेरे को जाने से मना नहीं करूँगा। तुझे मालूम है ना मैं तेरे से 2 दिन दूर नहीं रह सकता। तेरे बिना मैं बिना पंखे पंखे जैसे हो जाऊंगा बिना एक्सीलेटर की गड्डी जैसे हो जाऊंगा बिना मलाई के दूध जैसा हो जाऊंगा। चल अरे कहीं पर ना तू टड्डन घेलो छे घेलो। अरे सोनिए तेरा ये घेलो तुझ गेली को जाने नहीं देगा। सोनी भाई तो अब्दुल अब्दुल ये सब अरे भाई जरा मुझे हाथ लगा। अरे ये सब क्या है इतनी सारी सोडे की बोतलें। अरे रोशन अभी मायके जाने की कह रही थी मुझे उसकी जगह अपने मायके जाना पड़ेगा। यार जल्दी इसको छुपा नहीं तो मेरा बैंड बजा देगी वो। चल अरे अब्दुल भाई सेफ जी अब्दुल भाई केम छो? हाँ अच्छे हैं। रोशन आई बड़ू सोचे अभी तो तू मुझे बोल रहा था कि तेरे बिना मैं 2 दिन भी नहीं रह सकता। अभी तेरा पंखा बिना पंखे चलेगा तेरी गड्डी बिना एक्सीलेटर के चलेगी। हाँ रोशन मैंने अभी अभी तो मायके जाने की बात की और तू एक पार्टी शार्टी का सामान मंगवा रहे। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है रोशन तू गलत समझ रही है। रोशन छुट्टू छुट्टू ना बोल। हाँ मैंने छुट्टू जर्रक भी नटी कम तू। अरे तू ऐसा यहाँ क्या खड़ा है और सच्चू सच्चू बोल। एक मिनट सॉरी भाई एक मिनट। रोशन भाभी आप जैसा सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है ना कि मैं ईद मनाने के लिए गांव जा रहा हूँ 2-4 दिन दुकान बंद रहेगी इसलिए 16 मैं यहाँ लेकर आया। मसाला भी साथ में लाया हूँ। हाँ क्या है ना मैं नहीं रहूंगा तो ये लोग सोडा बना के पी लेंगे ना। सॉरी यार रोशन मैंने टेको गलत समझा मुझे माफ कर दे। वो टड्डन घेली छो घेली। अरे नहीं नहीं रोशन तेरी गलती नहीं है। ओ यार मेरी रेपुटेशन ही ऐसी बन गई है कि सब सोचते हैं मैं पार्टी शार्टी ही कर रहा हूँ। ओ कोई गल नहीं छाड़ यार सोनिए। ओए अपना अब्दुल पराग गांव जा रहा वो भी ईद मनाने अपने परिवार वालों के साथ। ओए ओए परिवार वालों के साथ ईद मनाने का मजा ही कुछ हो रहा है। ओए काम कर आप फाड़ फटाफट और फर्स्ट क्लास जाना ईद मनाना अम्मी अब्बा सबको मेरी तरफ से सलाम देना। लेकिन सोड़ी भाई ये तो बहुत ज्यादा है। ओ कमाल करता है ओ हमेशा तू हमको उधारी देता है अभी एडवांस समझ के रख ले। टाको नहीं अब्दुल भाई। ओए गांव जाएगा सबको दुआ सलाम करना और वहां से ईद की मिठाई लेके आना सबके लिए। हाँ हाँ जरूर लाऊंगा। सॉरी भाई क्या है ना वो टप्पू को सामान पहुंचाना है तो मैं चलता हूँ ठीक है। मस्त खीर बनी है एक वाटी खीर और पीनी है लेकिन बापूजी के सामने लूंगा तो चिल्लाएंगे 4-4 वाटी खीर तो पी चुका है और कितनी पिएगा। टप्पू बेटा तुम्हें खीर दूं? नहीं मम्मी। बापूजी आपको खीर दूं? नहीं। टप्पू के पापा आपको सब्जी दूं? नहीं दया खीर बहुत बढ़िया बनी है। थैंक यू। मतलब मजा आ गया खाने का बहुत बढ़िया बनी है। और दू? हाँ हाँ बहू दे दे। अरे इतनी अच्छी खीर बनी है तो जेठिया 1-2 लीटर तो पिएगा ही।
फिर रात को 3-4 चम्मच चूरन फाक लेगा। क्या है ना बहू, लोगों का पेट होता है, ये जेठिया का पिटा रहा है। बापूजी, मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे और खीर पीनी है दे? मैं तो ये कह रहा था कि बढ़िया खीर बनी है बदम बदम डाल के, तो रोज ऐसी ही बनाना। रोज मतलब जब भी बनाए तभी ऐसी ही बनाना है ऐसा। चल चल अबे, तेरी जुबान कुछ और बोल रही है और तेरी आंखें कुछ और बोल रही है। अरे भाई सीधे सीधा बोलना कि एक बाटी और चाहिए। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते अब्दुल। नमस्ते जेठा भाई। अब्दुल भाई आप सही टाइम पे आए हैं, आइए खीर खाने के लिए बैठ जाइए। हाँ नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, तेरा रोजा तो खुल गया ना? हाँ। अरे थोड़ी सी चकले, बहू ने बहुत अच्छी खीर बनाई। ठीक है, और रपो तेरे लिए बॉल। अरे अब्दुल भाई एक पैकेट बहुत है। अरे टप्पो एक मेरी तरफ से रख ले, ये लीजिए दया भाभी। बैठ 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 अब्दुल, बैठ आजा 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 आजा। अरे ये क्या इतना सारा बॉल, मैच मैच खेलने जाने वाले? नहीं पापा। अरे जरा भाई मैं ईद बनाने के लिए गांव जा रहा हूँ, तो 2-4 दिन दुकान बंद रहेगी ना। अच्छा तो पापा टप्पू का कोटा तो पूरा करना पड़ेगा ना। लीजिए अब्दुल भाई। हाँ। टप्पू के पापा आप भी खेल लीजिए, अब्दुल भाई को कंपनी दीजिए। पी पी। नहीं मुझे बस बहुत हो गया। ठीक है तो अब्दुल भाई को कंपनी टप्पू देगा। और अब्दुल गांव जा रहा है ईद मनाने है? तो भाई मेरा हिसाब कितना बाकी है बोल देना, मैं दे दूंगा। जेठा भाई सामान और सोडा का मिलाकर 1480 रुपए हुए। अच्छा जेठा अब्दुल को 5000 दे देना। चाचा जी इतने सारे क्यों? अरे भाई तू ईद मनाने कितने टाइम के बाद अपने परिवार के पास जा रहा है, और त्योहार है तो पैसे तो चाहिए ना, सबके लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाएगा ना, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जा सकता है। हाँ। सही कह रहे चाचा जी, अम्मी अब्बा के लिए, बड़े भाई भाभी के लिए, छोटी बहन के लिए, जीजाजी के लिए, भांजी के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ लेना चाहता हूँ। पर क्या? कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं सबके लिए क्या खरीदूं। लो इतनी सी बात, अरे हम गोकुल धाम की बहने हैं ना, वो आपके साथ आएंगे और आपको खरीदी में मदद करेंगे। ले और बोल, तेरा तो काम हो गया भाई। अभी परिवार वालों के लिए क्या, पूरे गांव के लिए खरीदी करनी है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ जी भाई वो तो है। तो अब्दुल भाई कल दोपहर को हम सारी बहने आपकी दुकान पर आएंगे और वहीं से ही खरीदी के लिए चलेंगे। ठीक है दया भाभी, थैंक यू। मित्रों जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक खुशी है कि यदि आपका परिवार दूर हो आपसे और आप उनसे मिले। हाँ अरे अब्दुल मियां अभी बड़े खुश नसीब होने जा रहे हैं, मिलेंगे अपने परिवार से और मनाएंगे ईद, और इस खुशी में हम गोकुलधाम निवासी उनके साथ हैं। मित्र गोकुलधाम निवासियों का यही तो धर्म है कि आपस में मिलके दूसरों के दुख कम करना और खुशियों को बढ़ाना, और मैं तो कहता हूँ कि देश भर में ऐसे ही हालात हो जाएं कि पूरे देश में जितने लोग हैं आपस में मिलें, एक दूसरे के दुख कम करें और खुशियां बढ़ाएं, तो समाज के अंदर फिर कोई भी चिंता जैसी चीज ही नहीं रहेगी। यहाँ इस वक्त खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन गोकुलधाम का इतिहास हमेशा यही है कि जब भी खुशियां होती है कोई ना कोई हंगामा पिछले रास्ते से चला ही आता है। अब देखना यह है कि अब क्या हंगामा होने वाला है। जैसे कहते हैं ना असली मजा सबके साथ आता है, वैसे देखते हैं कि यहाँ पे खुशियों के साथ कौन सा हंगामा मिलता है। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।